स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मुगल हाईवे पर अस्पताल बनाने और संचार व्यवस्था को बेहतर करने की लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। बता दें कि हाईवे को यातायात के लिए खोले जाने के बाद से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जिसके बावजूद भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का इस मामले पर कोई ध्यान नहीं है। पहले भी कई बार वादा किया गया कि मुगल हाईवे पर अस्पताल बनाने और संचार व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब अब इस इलाके के आसपास बसे हुए लोग सरकार से ट्रॉमा अस्पताल बनवाने और मोबाइल टावर लगवाने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी से पुंछ और राजौरी दोनों जिलों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर ना तो कोई मोबाइल चलता है और ना ही किसी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, जबकि इस मार्ग पर ट्रामा अस्पताल की मांग पिछले काफी समय से होती आ रही है। इसके बावजूद अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखा जाए तो ये 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ना तो इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी है और ना ही नेटवर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। कम से कम नेटवर्क होना चाहिए। अगर वहाँ कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका, तो मैं कहता हूँ उसका मरना तय है, क्योंकि वो नेटवर्क की रेंज में नहीं, वो नेटवर्क को उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचती है। बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक नेटवर्क फैसिलिटी होनी चाहिए और एक मेडिकल फैसिलिटी, दोनों ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ लोग बिना मौत मरते हैं। ये मेरी एलजी गवर्नर से यही इल्तिजा है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का जल्द से जल्द। दरअसल बीते दिनों एक वाहन से जा रहे 3 यात्री एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें एक वाहन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं 2 यात्रियों की इस दुर्घटना में जान चली गई। इस बारे में वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। गौरतलब है कि फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने की वजह से गुजरने वाले वाहन को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। ये है, एक तो चंदीमढ़ के उस पार जो है टावर की प्रॉब्लम है। टावर अगर होता, वो ट्रामा हॉस्पिटल हमारी मुगल शहरा पे होता, तो ये जो 3 लोगों की जाने परसों गई हैं, खुदा ना खास्ता ये लोग बच जाते हैं, ये बच भी जाते हैं। मैं सरकार द्वारा ये गुजारिश करूंगा आपके चैनल की वसादत से कि इस मुगल शहरा पे टू वर्ड्स यहाँ से पशाना तक, पीर की गली तक और पीर की गली से लेके शिपाहियाँ तक, इसी दरमियान एक ट्रामा हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ हो सके, लोग बच सके और मुगल शहरा पर जब भी कोई इस किस्म का टूवर्ड्स मामला बन जाए, फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों का बरवक्त इलाज हो जाए। आपके चैनल की वजह, आपका चैनल वैसे भी वक्तन वक्तन लोगों की आवाज़ को दोबारा करता है, मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के जूमों को ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नर इंतजामिया को गुजारिश की जाए कि वो जल्द ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो मुगल शहरा पे कायम किया जाए। नेटवर्क जो है कम से कम 4 टावर लगने चाहिए चंदीमढ़ से लेके पशाने तक, पीर की गली तक, ताकि लोगों की आमदोरफ्त और कई और मामलात भी हैं सिक्योरिटी रीजन से भी, ताकि कम से कम जो आदमी जहां पे खड़ा है वहां से उसके बात हो जाए। जिसके बाद पुलिस ने नेटवर्क साइट पर आकर फायर ब्रिगेड से संपर्क साधा। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और रस्सियों का इस्तेमाल कर शवों को निकाला गया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया। बता दें कि इस मुगल हाईवे पर अब तक सैकड़ों लोगों की जानें इसी वजह से जा चुकी हैं, जिसके बारे में पुलिस प्रशासन को भी पता नहीं चल पाता और मुगल रोड पर शव कई दिनों तक पड़े रहते हैं। इस रोड पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से अपील की है कि तुरंत ही मुगल हाईवे पर अस्पताल बनवाए और संचार व्यवस्था में सुधार करे, ताकि मुगल हाईवे पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये कि मुगल रोड तो स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये जो बरसात का मौसम है, बारिश में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है। मतलब कहीं पिछले दिनों में देखो, एक दो कितने काफ़ी जो है, एक दो बंदे वहाँ जो बेचारे जान भाग हो गए, फिर एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं है। अगर कोई बंदा बेचारा कोई गाड़ी कोई एक्सीडेंट किसी खाई में चली जाए तो 4-4 घंटे तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क ना होने की वजह से ये सारी जो मुसीबतें बढ़ी हैं। उसके बाद कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटी भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि एम्बुलेंस का भी जो है वो कोई जो है, मैं उसमें यही कहूँगा, मैं DC साहब से भी, मेरी ये रिक्वेस्ट है और MG साहब से भी
कि 24/7 जो एम्बुलेंस, एक दो एम्बुलेंस मतलब होनी चाहिए पीर गली पुशाना से लेकर चंडीमढ़ एरिया तक। तो नेटवर्क का जो है को उसका भी मतलब कोई टेक्निकली कोई वो देखें कि नेटवर्क हो कि कहीं किसी को कोई ऐसी कोई इंसिडेंट ऐसा कोई कैजुअल्टी हो जाए तो पता चल जाए लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए तो वो फौरी तौर जाके वो मतलब उस पर देख सके। दरअसल गर्मियों के दिनों में मुगल रोड को खोल दिया जाता है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया जाता है। लगभग 60 किलोमीटर लंबे मार्ग पर किसी भी कंपनी का कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता है। इसकी वजह से कश्मीर से जम्मू आने वाले और जम्मू से कश्मीर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई लोग इस सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि इस 72 किलोमीटर मार्ग पर किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य केंद्र मौजूद नहीं है। आए दिन मुगल रोड पर कोई ना कोई बड़ा हादसा होता रहता है जिसमें घायल हुए लोगों को उपचार के लिए या तो श्रीनगर के सोपिया अस्पताल में पहुंचाया जाता है या फिर उपजिला अस्पताल सुनरकोट में लाया जाता है। इस दौरान कई घायल बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ट्रामा अस्पताल से बचाई जा सकती है जाने। मुगल रोड पर ट्रामा अस्पताल की सख्त जरूरत है। ट्रामा अस्पताल होने से इस मार्ग पर किसी भी सड़क हादसे के बाद घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती है और घायलों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। जबकि मार्ग के आसपास बसे लोगों की सालों पुरानी ट्रामा अस्पताल खोलने की मांग है। देखिए, मुगल शाहरा का इशू है, ये नया इशू नहीं है। ये 2019 में हमारे 11 बच्चे सुरनकोट से जो है वो उनकी भी डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। मैंने 2019 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक PIL की थी, इंतखाब अहमद काजी वर्सेस यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस PIL में मैंने स्पेशल ट्रामा सेंटर जो है मुगल रोड पे की जो है वो इस्तदा किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट से और वो भी पेंडिंग है। तो अथॉरिटीज इस पे बेसिकली जो है स्लीपिंग है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट है कि एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट किया जाए यहाँ पे मुगल शाहरा पे और दूसरे एक एडवांस ट्रामा सेंटर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन की लैक की वजह से जब तक बंदे को सुरनकोट या शोपिया में शिफ्ट किया जाता तो बंदों की डेथ हो जाती है और ब्लीडिंग की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। 30 से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट किया जाए और दूसरे एक एडवांस ट्रामा सेंटर जिसकी जो तर्ज पीजे चंडीगढ़ की। हालांकि इस मार्ग से राज्य के मुख्य सचिव भी गुजरे और राज्यपाल के सलाहकार भी आए, कई दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जिला आयुक्त पुंछ ने भी कुछ समय पहले सभी मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों से मोबाइल टावर लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने मोबाइल टावर नहीं लगाया है। यही वजह है कि इस मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों और यात्रियों का सफर के दौरान देश दुनिया से संपर्क नहीं हो पाता है। ऐसे हालात में कोई घटना घटती है तो इसकी सूचना भी संबंधित विभागों तक पहुंचाने में काफी देर हो जाती है। सड़क हादसे में होने वाले घायलों को भर्ती कराने के लिए नजदीक में कोई मेडिकल कैंप भी नहीं है। ऐसे में हादसे में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। हमारी ये जो कौमी शाहरा है मुगल रोड की, यहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमें जो एक तो ट्रामा हॉस्पिटल नहीं है, ट्रामा हॉस्पिटल ना होने के कारण हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे LG साहब ने हमें विश्वास भी दिलाया था और साथ में उनके कमिश्नर सेक्रेटरी भी थे कि यहाँ पर ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, मगर आज तक वो ट्रामा हॉस्पिटल ना बनने के कारण जो भी यहाँ एक्सीडेंट होता है तो मरीज सुरनकोट लाते लाते उसकी मौत हो जाती है। अगर मार्ग पर मोबाइल सिग्नल हो तो पल भर में ही हादसे की जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, उसी समय राहत कार्य शुरू करके लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। हालांकि उपराज्यपाल प्रशासन को इस ऐतिहासिक मुगल रोड पर दूरसंचार और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि घाटी से जाने वाले पर्यटकों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।